Alright, assalamu alaikum, what's up, Sefi people, this is Sefi Khan and you're watching Sefi Vlogs and welcome to my another vlog. Vlog, ये देख के आप लोग बहुत दिन हो गएंगे, तो मेरे को मालूम था थोड़ा नाराज भी है क्योंकि मैं बहुत दिनों से व्लॉग नहीं डाला था. तो आज हमारे स्टोर में एक ऐसे जगह विजिट करे जो कि मैं बोल तो नहीं सकता कौन है, थोड़ा सा वेट कर लो, दिखा रहा हूँ. तारीफ के तो मोहताज नहीं है, तो आइए मैं आपसे उनको मिलाता हूँ और उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और थोड़े बहुत सवाल भी कर लेना है, वो भी कर लेते हैं. तो पहचानो ये कौन है, कौन है पहचानो, 3 सेकंड्स दे रहा हूँ आपको, 1 2 3 मेरे को मालूम है, पहचान लिया आप लोग. तो मेरे साथ है हमारे बैगन वाइस के वन एंड ओनली उसामा टीवी भाई, एक बार वहाँ सुना रहा. तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है जी, और अलहमदिल्ला हमारी पब्लिक मेरे को बहुत सपोर्ट करती है. अगर मैं जब भी ब्लॉग्स या कुछ वीडियोज ले रहा था तो बोलते कि बेटा अगर क्या भाई सोएगा क्या भाई खाना नहीं खाएगा उनके साथ बोलते. तो हमारी पब्लिक को हमारे बैगन वाइस की तरफ से और उसामा टीवी भाई की तरफ से कुछ भाई भाई के चैनल पे सब्सक्राइब करो, और माशाल्लाह इमी भाई के भाई है तो पहले सब्सक्राइब करना चाहिए, दोनों भाई स्मार्ट है, आखिरी स्मार्ट है, अंगार लगाते और शुरू से अपन जो है सो इमी भाई को फॉलो करते हैं पहले, तो कब से की आना था भी भाई आया है हम लोग हैदराबाद या ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कब से क्या आना था मेरे को टाइम नहीं मिला था, इमी भाई बिजी हो जा रहे थे, कभी मैं बिजी हो जा रहा था, मगर आज फाइनली मेरे को मौका मिला आने का, माशाल्लाह आके विजिट करके जगह को बहुत अच्छा दिखा मेरे को, बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है, आप भी आइए शॉप करिए और इमी भाई से भी मिल सकते हैं, इमी भाई से मिलने का मौका है आपको, भाई के चैनल पे सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए चैनल भाई का, और हैदराबाद की आवाम को आगे बढ़ाना भाई ज़्यादा से ज़्यादा. बस ये बोलना चाहूँगा मैं, बहुत खुशी हुई मिलकर और देख के कलेक्शन, इंशाल्लाह मैं भी आऊँगा आगे फिर शॉपिंग करूँगा, वैसे तो करूँ ही मैं शॉपिंग, अगली बार और आगे और करके जाऊँगा, अब तो अनएक्सपेक्टेड आ गया था मैं, इंशाल्लाह सुकून से फिर आएंगे. आप आए हुई बहुत बड़ी बात है भाई, थैंक यू सो मच. और जैसा भाई बोले फॉलो एंड ऑल, भाई को मैं कब से की फॉलो करता हूँ भाई की जो राइडिंग करते हैं भाई, भाई का एक अलग स्वाग है हैदराबाद में, बड़ी बात नहीं पूरे यूट्यूबर्स में खाली एक ही भाई है जो बेहतरीन बाइकों का शौक करते एक से एक, वो चीज़ का मैं फ़ैन हूँ उसामा भाई का, और टिल्लू भाई तो खतरा मसला, टिल्लू भाई का कैरेक्टर उसका भी फ़ैन हूँ मैं. 2000 रुपये बेवकूफ़ बना दिया जी तुम्हारे को, वहाँ केसीआर दे रहा नहीं ज़कात के कपड़े, वो कपड़ा दिख रहा. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, थैंक यू सो मच उसामा भाई, और हम लोग भी ब्लॉग बनाने वाले भाई, कुछ किस्मत भाई के साथ मिलने का मौका मिली. तो आपसे एक सवाल कर रहा था, जो आप जो आपका टिल्लू भाई कैरेक्टर है जी, तो कब से फेमस हुआ और पब्लिक को कब से पसंद आने लगा? टिल्लू भाई का जो कैरेक्टर है हम लोग 2019 में बनाए थे टेलर के, तो जैसा कि आपको मालूम है पहले अब तो लॉकडाउन है, ईद ईद नहीं दिख रही, पहले क्या था वो तो ज़रा ईद मना सकते थे अपन लोग, तो टेलर का कैसा क्रेज रहता था, टेलर को पागल कर देते थे अपन लोग, और वो टाइम में टेलर का अलग भाई अलग, 6 दिन पहले आना था अलग, अंबानी बन के बैठता हुआ होता है. अरे टेलर बोल तो क्या है जी, क्या समझे हम लोगों को, एक महीने के हम लोग जयगान सीख रहे रहते, जब बोले अब देते, समझ रहे ना, ईद से 2 दिन पहले देता हूँ बोला तो 2-3 पहले देता हूँ, टिल्लू टेलर बोलते मजाक दिल लगी है क्या, वो टाइम पर टेलर वो हिसाब से वो कैरेक्टर स्टार्ट कर रहे थे समझो टेलर के से, तो माशाल्लाह कैरेक्टर बहुत फिट गया, पब्लिक पसंद गई, तो उसके बाद से उसकी सीरीज कंटिन्यू करी समझो. और मैं आपको फॉलो करता हूँ तो मैं आपको देखा कि आप जबरदस्त पकवान वकवान भी करते, तो उसमें क्या राज है? देखिए वैसा हिसाब है कि खानदानी चल लेते आ रहा हूँ, हमारे घर के पूरे बच्चे पकाते करते, तो मेरे को भी कुकिंग का शौक था, लेकिन हमारे एक टीचर है खाना ही हमारे, तो उनको सिखाते रहते, लास्ट लॉकडाउन में मेरे को बोले कि अरे कुकिंग करो बेकार घर में कहीं रहते हो, तो मैं कुकिंग स्टार्ट करा, तो होते होते मेरे को इंटरेस्ट आने लगा, ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया, टाइम भी उसमें पास हो जा रहा, तो अभी भी सुबह सुबह मैं निकल के आया, मतलब इमी भाई से मिलने में क्या टाइम का 10 बजे कुछ आया, उससे पहले मैं शॉपिंग कर रहा था, घर को जाकर पकवान करना है, बेहतरीन ब्लॉग मैं भी शूट करने वाला हूँ भाई के साथ में जल्दी, तो जाना आपको इंटरव्यू हो जा रहा पूरा ये, चलो भाई नहीं एक सवाल है भैया जी जी, जो अब मेरे पास भाई क्या बोलते हैं एक्टिवा है, ये कभी नाम पर ही जाना है, तीसरा दवा जो आपके पास कवासा की है तो आप इसमें तीसरा दवा सकते हैं. इसका क्या भाई 100 का भी दला सकते उसमें, मगर प्लीज आप ये ट्रैफिक में नहीं चला सकते, मैकेनिक भी एक्टिवा है.
ट्रैफिक में आपको एक्टिवा लेके निकलना पड़ता तो क्या होता मालूम है, एक तो अगर ये ट्रैफिक में लेके निकल तो गाड़ी का इंजन बदवा देता, उसके बाद आपके पैर बदवा देते, फिर तीसरा जो सो धूप की गर्मी ऐसी है पूरे अपन जो सो नाइजीरियन बन के घर में वापस आए, वो हिसाब से क्या है गाड़ी के मूवमेंट में निकालना ही नहीं है। तो कभी आप कभी अगर मार्केट में जा रहे हैं आप जी पब्लिक प्लेस में तो ऐसा बोले कभी इधर देखते हो सामान डिपो जा रहे दिल्लू पर बस तो कैसे क्या बच्चों सुना रहे भाई भाई गिरा के क्या बोला आप लोग बोलो जोड़ा रहे तुम भाई तरकारी ले ले गया थे स्पोर्ट्स बाइक में हो रहा है खतरनाक कर दिए भाई वो भेजता आपको फोटो मैं तरकारी खरीद रहा था कहीं सीबीआर में तो एक जना फोटो लेके भेज गया जबरदस्त मेंबर है तो आप लोग उषा डीपू भाई को फॉलो भी करिए बिल्कुल तो मैं बोल रहा हूँ मेरे से 25-30 करोड़ ज्यादा मेरे से फॉलोअर्स हैं इनके तो इनको बोलना चाहिए लेकिन भाई बोल रहे हैं इनको बोले तो मेरा चैनल है ना सही रहा भाई को फॉलो करो आप लोग भाई को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाओ अपने लोग आए हैदराबाद यहाँ है पूरे दिल के आगे बढ़ना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल इनके काम करना इंशाल्लाह फिर अपन स्कूल से आएंगे स्कूल से बनेंगे ये तो आज का अनएक्सपेक्टेड था मैं तो बस सलाम अलैक कर लेने के लिए आया था स्कूल से नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग अपने अपने सेपरेट चैनल पे व्लॉग्स बनाएंगे बिल्कुल और इंशाल्लाह तो मैं एक बार सामा डिपो में घर पर जाके मेरे को बारबेक्यू करने का है आपके साथ आपके हाथ में भगवान एनी टाइम तो भाई एनी टाइम बोल दिया मैं कल ही जाने वाला हूँ पहले चले अरे शाम में तो भैया व्लॉग एंड करिए सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो वीडियो को और फिर हम लोग ब्लॉग्स भी आने वाले हैं इंशाल्लाह तुम मचाना खाली हैदराबाद में अंगार लगा देंगे भाई बिल्कुल नहीं सुनना है इसके लिए खत्म है मसला थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़